योगी आदित्यनाथ जो कि सरकार का अहम चेहरा है, हिंदू राष्ट्र को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? और आप इनको दो भागों में भी कर सकते हैं, एक सरकार के मुखिया होने के नाते भी और एक महंत होने के नाते भी, लेकिन दोनों जवाब दीजिएगा योगी जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है। हिंदू कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं है, यह एक सांस्कृतिक शब्दावली है जो भारत के हर एक नागरिक के लिए फिट बैठती है उसकी सांस्कृतिक नागरिकता की दृष्टि से। भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जाता है तो उसका संबोधन वहां हिंदू का होता है, हिंदू नाम से जाना जाता है। अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जा रहा है, वहां कोई उसको हाजी के रूप में नहीं मानता, वहां पे कोई उसको इस्लाम के रूप में नहीं मानता, वहां उसको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, तो वहां तो किसी को परेशानी नहीं होती है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है, हर नागरिक हिंदू है, क्योंकि यह कोई जाति सूचक, मत और मजहब सूचक शब्द नहीं है। यह हमारी सांस्कृतिक एकता को जो हिमालय से समुद्र पर्यंत तक के विस्तृत भूभाग के अंदर जन्मे हुए लोग, ये अपने आप में हिंदू कहलाते हैं, उस रूप में अगर कोई लेगा तो हिंदू राष्ट्र से मुझे लगता है किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। अगर योगी जी, अगर आप इसको मत, मजहब या संप्रदाय के साथ जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा भारत सरकार का एक ही धर्म है और वो है संविधान। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर उन्होंने ये जवाब मैंने दिया। कहा ना कि अगर हिंदू को आप मत और मजहब के साथ जोड़ रहे हैं तो हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। हमें दोनों चीजें बहुत स्पष्ट करनी होंगी। और जहां तक संविधान की बात है तो संविधान के प्रति तो हर भारतीय के मन में सर्वोच्च सम्मान का भाव होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा मार्गदर्शक है। तो हमेशा से हिंदू राष्ट्र था, आप ये मान रहे हैं, तो फिर उसे बनाने की जद्दोजहद और कवायद क्यों? भारत हिंदू राष्ट्र था, है और वर्तमान में भी रहेगा, आगे भी रहेगा।